नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक दो रंग का बेहद आसान और खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, यानी दो से कटने वाले हम कोई भी फंदे ले सकते हैं। इसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दूसरी लाइन में भी हम सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। पहली लाइन में भी सभी फंदे उल्टे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे। तीसरी लाइन में हम अपने सेकंड कलर के उनको अटैच कर लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और तब इसे स्लिप करेंगे। तो एक फंदे को हमें सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। एक फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है। एक फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है। दो ही फंदों को हमें, इन दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा सीधा बुनना है, अगला फंदा स्लिप करना है। एक फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है। रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और सामने से, तो पांचवी लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बुने हुए फंदे को, स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। पांचवी लाइन में सभी फंदों को उल्टा।
और छठी लाइन में सभी फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। पांचवी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे और छठी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो सातवें लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए, इसके नीचे हमने तीसरी लाइन में इसे सीधा बुना था, तो अब की इसे हमें स्लिप करना है। और देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे हमें सीधा बुनना है। ये फंदा देखिए, इसे हमने तीसरी लाइन में सीधा बुना था, तो अब की इसे हमें स्लिप करना है। और ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे हमें सीधा बुनना है। यानी जिस फंदे को हमने तीसरी लाइन में सीधा बुना था उसे स्लिप करना है, और जिसे स्लिप किया था उसे सीधा बुनना है। यानी सातवां लाइन तीसरे लाइन के अपोजिट बनाया जाएगा, तीसरी लाइन के उल्टा। एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है। जिसे हमने देखिए, ये हमारा दूसरे रंग का ऊन देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी इसे हमें स्लिप करना है। और देखिए, ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे हमें सीधा बुनना है। देखिए, ये हमने बुना था, तो इसे हमें स्लिप करना है, और इसे हमने स्लिप किया था, तो इसे सीधा बुनना है। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन दोहरा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपके सामने है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, बनाने में आसान और बेहद खूबसूरत। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।